जो नेताओं की सूची तैयार की गई है, आठ साल सितंबर 2014 से मई 2022 तक, कितना, सितंबर 2014 से मई 2022 तक बयानों को खंगाला गया, आईटी विशेषज्ञों की मदद ली गई और इसमें निकाला यह गया कि पिछले 8 साल में नेताओं ने सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक 5,200 बयान गैर जरूरी पाए गए, इन विशेषज्ञों के मुताबिक जो आईटी सेल ने खंगाला है, जो आपके नेताओं की लिस्ट है, कितने, 5,200 बयान गैर जरूरी पाए गए, 2,700 बयान शब्दों में जो संवेदनाएं थी वो थी नहीं, 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया और करीब 5,200 बयान जो गैर जरूरी पाए गए उसमें से 2,700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया, 28 बयानों के लेकर जो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो कैटेगरी में रखा गया उस कैटेगरी में जिनके नाम है गिरिराज सिंह, सरकार में मंत्री, साक्षी महाराज, सांसद विनय कटियार, महेश शर्मा, संगीत सोम, विक्रम सैनी, तथागत राय गवर्नर रह चुके हैं, अनंत कुमार हेकड़े 2017 में केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, ऐसे 38 नेताओं के नाम हैं जिन्होंने हेट स्पीच दी। ये आईटी सेल से पता चला है, खंगाला गया बीजेपी के नेताओं से। अब आपकी प्रतिक्रिया प्रमुख साहब। मैं तिलक जी, सबसे पहले आपके माध्यम से अपनी पार्टी की आईटी सेल को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी पार्टी को नमन करता हूं कि उसने बड़ा दिल दिखाया है। एक चीज और कह रहा हूं साथ साथ, ये जो उत्तर प्रदेश में कानपुर हुआ ना, ये पार्टी की स्पष्ट नीति और शानदार जो विश्लेषण होता है ना कि बीमारी से पहले इलाज शुरू हो जाए, बीमारी से अगर वहां हम सतर्क नहीं होते तो कुछ और होता, क्योंकि पहली पार्टियों का रिकॉर्ड है। मैंने तो जिक्र ही नहीं किया उनका कि गोली मारो वालों का, है ना, गोली मारो वालों का मैंने जिक्र ही नहीं किया। ये हमारा हिम्मत का काम है ना तिलक जी, हमने कोई बड़ा काम होने से पहले ही अपने लोगों की लिस्ट भी बना के स्वयं ही डिक्लेयर कर दी। दिखा देता हूँ ना जरा, साक्षी महाराज का फेसबुक का जो उन्होंने फेसबुक पर, अरे आप महाराजों के पीछे क्यों पड़ रहे हो भैया, ये चेक करिए। अरे भैया आप सनातन धर्म संस्कृति के पीछे लग गए, आप सच क्या ऐसी नाराजगी होगी आपसे प्रमुख साहब, दो दो ब्राह्मण आपकी डिबेट में बैठे हैं और आप ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए हो। मैं ब्राह्मणों के पीछे लगा हूँ इसमें भी, मतलब ये सच है या झूठ आपको तय करना चाहिए। आपने कानपुर का जिक्र किया, कानपुर की तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। साक्षी महाराज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट वॉल पर जो लिखा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ, कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं आएगा, आपको खुद की रक्षा करनी पड़ेगी, ये व्यक्ति विशेष आपको चैन से तभी रहने देंगे जब ईद का आप एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने जांच करवाई इसकी, कानपुर में कुछ नहीं होने दिया हमने, होने से पहले इलाज कर दिया। तो ये किसने, ये स्टीपता है प्रमुख साहब, कह रहे हैं कि ये साक्षी महाराज का, मैंने कहा कि चेक कर लो ना ये सच है या झूठ है, इस तरह से वायरल हो रहा है, झूठ है तो झूठ है। साक्षी महाराज जी ने ऐसा नहीं लिखा तो इसकी भी खंडन होना चाहिए और जिसने वायरल किया उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। मैंने तो अपनी तरफ से महाराज जी को क्लीन चिट दे दी, वो महाराज है सांसद के साथ साथ। अच्छा, क्लीन चिट और लोकतंत्र में अपनी बात कह दी तो उसमें कौन सी इस पे नाराजगी होने वाली बात है। और इसमें आदेश गुप्ता जी ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट आपके सामने है और ये ट्वीट उस वक्त का है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ करने वाले भाजपाई कार्यकर्ताओं को जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद बीजेपी के कार्यालय में उन्हें सम्मानित किया गया था और इस आदेश गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा था और जो CM केजरीवाल पर जो निशाना साधा था उन्होंने क्या लिखा था मैं आपके सामने, ये हिंदू विरोधी केजरीवाल के खिलाफ, हिंदू विरोधी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त जेल गए बीजेपी युवा मोर्चा के 8 कार्यकर्ताओं को 14 दिन के बाद कोर्ट द्वारा जमानत मिली। आज प्रदेश कार्यालय में अपने इन युवा क्रांतिकारियों का स्वागत किया, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ सदैव लड़ता रहेगा। देवेंद्र प्रमुख साहब, ये स्वागत तो खुद आपके ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे, आप कह रहे कि इस तरह की हेट स्पीच वगैरह देना हमारा हक नहीं है। प्रमुख साहब,
प्लीज स्क्रीन देखिए ना, आप गोदी गोदी चिल्ला रहे, गोदी मीडिया, आप भी तो विपक्ष की गोदी में बैठे हैं। आप गोदी गोदी कर जो है बीजेपी को घेरने के सिवा और कौन, तिलक जी अब काम थोड़ी बच रहा आपके पास। लेकिन लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, अगर बीजेपी की इतनी ताकत होती तो फिर आप ही कहां चलते। अरे अपनी बात रखने के लिए आप आजाद हैं, तो बताइए फिर गोदी और मोदी कहां रह गए। अच्छा तो मैं विपक्ष की गोद में जाके बैठ गया क्योंकि मैं सत्ता से सवाल पूछता हूं इसलिए। नहीं मैंने सत्ता का सवाल पूछते हो, सवाल सिर्फ इतना था कि हम गोडसे और गांधी को एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये तो तथाकथित पत्रकार, उनकी भी लिस्ट तैयार करो ना जो रोज हिंदू मुसलमान करवाते हैं। सूचना मजाक बात नहीं है, ये सूचना मंत्रालय ने बकायदा एडवाइजिंग जारी की, उसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, रोज हिंदू मुसलमान की डिबेट्स होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ऐसे तथाकथित पत्रकारों की लिस्ट भी तैयार होगी जैसे आपने अपने नेताओं की लिस्ट तैयार की जो रोज हिंदू मुसलमान। ये आपका काम है तिलक जी, ये आपका काम है, हमारा नहीं। ये मेरा काम है सर, ये मेरा काम है। तिलक जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय एडवाइजरी जारी करता है, उसके बावजूद इस तरह की डिबेट्स होती हैं, ये मेरा काम है सर। आपके पूर्वज ने ताला ने बाबा ने किसने लड़ी है इसको, आजादी कांग्रेस ने दिलाई है, किसने लड़ी है इसको, आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। अरे चंद्रशेखर आजाद ने लड़ी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी, बताओ ना किसी भाजपा नेहरू ने नहीं लड़ी थी, नेहरू ने सोनिया इंदिरा गांधी ने नहीं लड़ी। फारूक साहब ने कहा कि भैया नेहरू ने थोड़ी ना लड़ाई लड़ी है देश की आजादी की, यही कहा था ना प्रमुख साहब आपने। हाँ जी अब भी कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आपने पढ़ा कि नेहरू ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा आपने। यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जब नेहरू ने बनाई तो नहीं कहना था। सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं, बीजेपी के 38 नेता पिछले 8 सालों में 2700 हेट स्पीच दे चुके हैं और इन हेट स्पीच से देश का ब्लड प्रेशर बढ़ा है। कितने? 38 नेता आपके जो लिस्ट तैयार की है बीजेपी ने, जो अंदर की खबर आ रही है, उन अड़ाओं ने 8 सालों में 2700 हेट स्पीच दी है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ये सारे